हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल गुप्ता है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ एक्स में। तो फ्रेंड्स, अचानक से ठंडी बढ़ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस कोहरे में अगर आपको गर्म पानी ना मिले तो यार मज़ा नहीं आता है नहाने में, या फिर हाथ पैर धोने में, या फिर किसी भी काम के लिए भाई मज़ा नहीं आता है। तो गर्म पानी मिल जाए, तुरंत गर्म पानी मिल जाए तो यार मज़ा आ जाता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको इंस्टेंट वाटर हीटर बोतल बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इंस्टेंट वाटर हीटर बोतल बनाने का तरीका। तो वाटर हीटर बनाने के लिए हम लोग यूज में लेंगे इस पीवीसी पाइप को, जिसकी लंबाई है दोस्तों 10 इंच और जो पाइप का साइज है वो 4 इंच है। मैं अभी आपको नाप के दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये है 4 इंच का पीवीसी पाइप और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो 10 इंच का लिया है। क्योंकि यार 10 इंच का इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसमें 2 लीटर पानी आसानी से आ जाएगा और 2 लीटर से ज़्यादा हम पानी ले भी नहीं सकते क्योंकि यार हमें इसमें तुरंत पानी को गर्म करना है। अगर आप ज़्यादा पानी वाला बना दोगे तो यार वो जल्दी गर्म नहीं होगा। अब दोस्तों हम लोग इस नल का यूज करेंगे इसमें पानी को निकालने के लिए। और ये दोस्तों नल जो आरओ का बोतल आता है उसके में लगा हुआ रहता है। और फ्रेंड्स, ये नल मेरे को मार्केट में 30 रुपए का मिला है। आप लोग के यहाँ कितने का मिलता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस नल को दोस्तों हम लोग इस पीवीसी पाइप के ऊपर फिक्स करेंगे। और देख लीजिए दोस्तों, हम लोग इसे पीवीसी पाइप के थोड़ा ऊपर फिक्स करेंगे जिससे कि ये पूरा नीचे टच ना हो। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर पेंसिल से निशान लगा लिया है और अब हम लोग यहाँ पर छेद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप उससे छेद कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप इस सोल्डिंग आयरन से छेद कर सकते हो, नहीं तो भाई कोई गोल चीज गैस पे गर्म करके वो उससे छेद कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने छेद कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग इसे फिनिशिंग कर देते हैं। तो फिनिशिंग करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करेंगे और इस सैंड पेपर से इसे फिनिशिंग अच्छे से कर देंगे जिससे कि इसमें हमारा नल आसानी से फिक्स हो जाए और उसमें से पानी ना चुए। तो ये देखिए, ये अच्छे से फिनिशिंग मैंने कर दिया है, नल इसमें आराम से लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग नल नहीं लगाएंगे, अभी तो हम लोग इसमें एलिमेंट लगा लेते हैं, उसके बाद ही नल को लगाएंगे। तो पानी को गर्म करने के लिए दोस्तों हम लोग इस एलिमेंट का यूज करने वाले हैं क्योंकि यार ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी गर्म कर देता है। और दोस्तों ये छोटा होने के कारण ये हमारे बोतल में आसानी से फिक्स हो जाएगा। तो इसे पाइप में फिक्स करने के लिए हम लोग इसे पहले खोल लेंगे और इसका जो तार है उसको पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसे खोल लिया है और ये मैंने जो तार है दोस्तों उसको भी मैंने अलग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये तार को क्यों अलग किया है आप लोग को पहले थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे एलिमेंट को दोस्तों पाइप में निशान लगा लेते हैं कितना दूर हमें छेद करना है। तो जहां दोस्तों नल रहेगा उसके ठीक पीछे हम लोग इसे लगाएंगे और थोड़ा ऊपर लगाएंगे दोस्तों, और इसे पूरा बीच में नहीं लगाएंगे, थोड़ा नीचे की ओर लगाएंगे। तो चलिए पहले इसे हम लोग निशान लगा लेते हैं कहां पर मुझे छेद करना है। और इसको भी दोस्तों हम लोग सेम सोल्डिंग आयरन की मदद से छेद कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने छेद कर लिया है, ये जहां नल है दोस्तों उसके ठीक पीछे मैंने छेद किया है। तो अब दोस्तों हम लोग इस एलिमेंट को अंदर से बाहर की ओर लगा लेते हैं। और दोस्तों मैंने तार इसीलिए निकाल लिया था, अगर दोस्तों तार में नहीं निकालता तो अंदर से बाहर हम लोग नहीं लगा पाते इस एलिमेंट को। तो ये मैंने एलिमेंट को अंदर लगा लिया है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो गर्म एलिमेंट दोस्तों, पूरा एलिमेंट गर्म नहीं होता है। तो ये जहां पर मैंने दोस्तों निशान लगाया है उसके उधर ही एलिमेंट हमारा गर्म होता है, उसके इधर हमारा एलिमेंट गर्म नहीं होता है। तो हम लोग ये जहां निशान लगाया हूं वहीं पर हम लोग इसे चिपका देंगे इस तरीके से। और इस एलिमेंट को दोस्तों हम लोग पूरे पाइप के इस साइड नहीं टच कराएंगे क्योंकि यार हमारा पाइप में अगर टच हो जाएगा ये एलिमेंट तो हमारा पाइप पिघल जाएगा। और इस एलिमेंट को दोस्तों मैं चिपकाने के लिए इस एमसील का यूज कर रहा हूं क्योंकि यार इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता इसे चिपकाने के लिए। और ये सूख के उसको जमा देगा अच्छे से, वाटरप्रूफ भी हमारा बन जाएगा। तो ये मैंने एमसील को तैयार कर लिया है। और भाई, इसको एमसील को तैयार करते समय मेरा हाथ देख सकते हो पूरा काला हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले एमसील लगा लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग हाथ तो धो ही सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से दोस्तों वाटरप्रूफ बना देते हैं और इस एमसील को दोस्तों अंदर से भी लगा देंगे और बाहर से भी लगा देंगे। अभी दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि यार भाई, ये हमारा पीवीसी पाइप गल जाएगा इस एलिमेंट की वजह से। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसके अंदर ठंडा पानी रहेगा और वो जब तक गर्म होगा दोस्तों हम लोग पानी को बाहर निकाल लेंगे और फिर से ठंडा पानी इसके में आ जाएगा, तब तक दोस्तों ये गलेगा नहीं, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तो दोस्तों बातों ही बातों में मैंने इसमें एलिमेंट को चिपका लिया है। अब दोस्तों हम लोग इसमें नल को फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इस नल को फिक्स कर लेते हैं। इस नल को दोस्तों लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके में नट और रबड़ दिया गया है, हमें दोनों तरफ रबड़ और रबड़ लगा के नट लगा देना है जिससे कि वाटरप्रूफ हो जाए, हमारा पानी लीक ना करे। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।
तो ये देखिए यही मैं रबड़ का बात कर रहा हूँ, इसको लगा लेते हैं और उसके ऊपर एक नट दिया गया रहता है, उसको लगा के अच्छे से कस लेते हैं। और फ्रेंड्स अब मैंने नल को लगा दिया है और हमारा अंदर का सारा काम हो गया है, अब हम लोग इसे पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स पैक करने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास, पहला आप लोग एंड कैप खरीद के लाइए, नहीं तो दोस्तों एक और प्लास्टिक पीवीसी पाइप खरीद के लाइए इस तरीके से, जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई दोस्तों अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आप लोग एंड कैप खरीद के लाते हो दोस्तों पाइप का, तो भाई बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आप लोगों के लिए ये वाटर हीटर, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग एंड कैप मत खरीद के लाइए, एक छोटा सा पाइप ही खरीद के लाइए और उसका दोस्तों हम लोग सीट इस तरीके से काट के बना सकते हैं। तो हम लोग इस पाइप को पहले दोस्तों बीच में से 2 बराबर भाग में काट लेंगे, इस तरीके से बीच में काट लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका सीट बना लेंगे, गैस पे गर्म करके इसका हम लोग सीट बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने काट लिया है, चलिए सीट बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने सीट बना लिया है इस पाइप का, इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा सीट। अब इस सीट को दोस्तों हम लोग नीचे रख लेंगे और उसके ऊपर दोस्तों हम लोग इस वाटर हीटर को लाएंगे और इसके नीचे और ऊपर दोस्तों हम लोग इस तरीके से गोला बना लेंगे और फिर इसको हम लोग काट लेंगे। तो पहले हम लोग दोस्तों 2 ठे गोला बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग काटेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों ये मैंने इसमें 2 ठे गोला बना लिया है और एक दोस्तों ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो अब हम लोग दोस्तों इसे इस कैंची की मदद से काट के निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने दोनों गोला काट लिया है इस तरीके से, और अब दोस्तों हम लोग इसमें एक जो ऊपर वाला गोला है उसके ऊपर में इस गोल निशान करना पड़ेगा कि क्योंकि ये हमारा पाइप को लगाना है तभी तो हम लोग पानी को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसे छेद कर लेंगे, तो चलिए पहले निशान लगा लेते हैं उसके बाद हम लोग इसे काट लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने काट लिया है और ये पाइप अब हमारा इसमें आसानी से लग जाएगा। तो चलिए इस पाइप को पहले हम लोग लगा लेते हैं उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे चिपकाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने पाइप को लगा दिया है, अब हम लोग इसे चिपका लेंगे। तो चिपकाने के लिए दोस्तों हम लोग एरल डाइट का यूज करेंगे, क्योंकि यार इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोस्तों जब ये चिपक जाएगा और सूख जाएगा तो ये एकदम वाटरप्रूफ बना देगा हमारा ये वाटर हीटर को। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास बजट कम है तो आप लोग इस एमसील का यूज कर सकते हो, लेकिन एमसील का यूज करने पे दोस्तों ये काला काला ऊपर से दिखेगा, इसलिए मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एरल लाइट का यूज करूंगा, क्योंकि यार ये जब सूख जाएगा तो ये एकदम गायब हो जाता है, दिखता नहीं है उतना साफ और एकदम वाटरप्रूफ इसको बना देगा हमारे इस वाटर हीटर को। तो इसको दोस्तों हम लोग दोनों को मिला लेते हैं बराबर मात्रा में और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे चिपका लेते हैं और दोस्तों चिपकाएंगे पूरा अच्छा तरीका से, एकदम जो इसका कोना कोना है उसको एकदम अच्छे से पूरा भर देंगे, जिससे कि कहीं से भी हवा हुआ इसके अंदर ना जाए, चाहे यार पानी कहीं से भी लीक ना करे। कहने का मतलब है दोस्तों पानी कहीं से लीक नहीं करना चाहिए इसको, इसलिए हम लोग अच्छे से चिपका देंगे और सूखने के लिए देर तक छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे वाले को पूरा अच्छे तरीके से लगा दिया है, अब हम लोग इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसका ऊपर वाला लगाएंगे, तो अब दोस्तों हम लोग इस ऊपर वाले को चिपका देंगे यहाँ पर ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नीचे वाला मैंने चिपकाया था। लेकिन फ्रेंड्स मैंने अभी आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक छेद किया है और ये मैंने छेद 2 कारण से किया है। पहला कारण है दोस्तों इसके में कि जब हमारा पानी जब गर्म होगा तो उसके जब वो भाप निकलेंगे दोस्तों तो इसके जगह से निकल जाएंगे, और दूसरा कारण है दोस्तों जब हम लोग अगर छेद नहीं करेंगे तो नल खोलेंगे तो पानी हमारा गिरेगा ही नहीं, छेद रहेगा तभी हमारा पानी अंदर गिरेगा। तो अब मैंने ऊपर वाले को चिपका दिया है, लेकिन फ्रेंड जो ये पाइप मैंने लगाया है वो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग इसे निकाल के हटा देंगे। और इसके जगह पे दोस्तों मैंने बोतल का ऊपर वाला काट लिया है और इसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, जिससे कि यार देखने में एकदम अच्छा लगेगा, नया आइडिया है दोस्तों, अलग लगेगा। इसके में पानी डालो गर्म करने के लिए, छोड़ दो। तो ये देखिए ये मैंने सूख चिपका दिया है अच्छे से, और अब हम मैं इसे कम से कम 1 दिन तक तो इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि यार बहुत ही अच्छे से जब तक सूख नहीं जाता है तब तक मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा। तो ये दोस्तों मैं इसे 1 दिन तक छोड़ दिया था सूखने के लिए, अब ये सूख चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग इस तार को लगा देंगे जो मैंने पहले इस एलिमेंट से बाहर निकाला था, फिर उसी तार को हम लोग इसी एलिमेंट में ठीक उसी तरीके से लगा देंगे जिस तरीके से हमने निकाला था। दोनों तार को दोस्तों दोनों एलिमेंट में इस तरीके से लगा देंगे, और अब दोस्तों हम लोग इस तार को पहले की तरह ही फिक्स कर लेंगे, जिससे कि करेंट उरेंट किसी को ना मारे, नहीं तो यार अगर खुला रहेगा किसी का हाथ तो चला जाएगा तो करंट मार सकता है। तो ये दोस्तों मैंने पैक कर दिया है इसको अच्छे तरीके से, तो अब हमारा वाटर हीटर एकदम रेडी हो चुका है। इसके में बस दोस्तों एक कैप लगाना है, तो इस कैप को भी लगा लेते हैं, और ये हमारा
इंस्टेंट वाटर हीटर बोतल रेडी हो जाएगा। एकदम नया आइडिया है ना दोस्तों। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें लीकेज चेक करूंगा कि कहीं से पानी लीक तो नहीं कर रहा है, नहीं तो यार हमारा सारा बनाया बनाया काम बिगड़ जाएगा, फिर से हमें इसे चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसमें एक मग पानी डालते हैं और उसके बाद दोस्तों इसका लीकेज चेक करते हैं, लीकेज कहीं होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक मग पानी डाला है और लीकेज होने लगा है। जो नल है दोस्तों वहां पे आप लोग देखिए ध्यान से, वहां से पानी टप टप चू रहा है। तो हम लोग इस नल को टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने टाइट किया है तो थोड़ा नल टेढ़ा हो गया है, क्योंकि यार अंदर इसका नट है और हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते हैं। बाहर से ही मैंने नल को टाइट किया है तो ये नल दोस्तों टेढ़ा हो गया है, इसलिए इसे इग्नोर कर दीजिए। अब मैंने इसमें दोस्तों पूरा पानी भर लिया है, लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें पूरा पानी नहीं भरेंगे, हम लोग ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे जिससे कि हमारा पानी का भाप बाहर निकलता रहे और दो हमारा जो गैस है पानी का वो बाहर निकलता रहे, नहीं तो यार ये ब्लास्ट कर जाएगा एक तरीके से, समझ लो। तो अब हम लोग दोस्तों इसे 5 से 6 मिनट इसको कम से कम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, हमारा पानी इसमें गर्म हो जाएगा, इसमें खौलने लगेगा, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका पानी का निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट हो चुके हैं और अब दोस्तों हम लोग इसका प्लग बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसे चेक करते हैं कितना पानी गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने नल को ऑन किया है उसी तरीके से इसमें से भाप निकलने लगा है पानी में से। तो उसी से दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा हमारा पानी गर्म हो रहा है इसके अंदर और कितना जल्दी गर्म हो जाता है। और आप लोग इसका यूज कर सकते हो कहीं भी दोस्तों, बहुत इसको बनाने में आसान है और ये तुरंत ही ज्यादा बन जाता है। मैंने इसके में हाथ डाल के भी देखा है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है पानी। और फ्रेंड्स, इस वाटर हीटर को बनाने में पैसे भी बहुत कम लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट वाटर हीटर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और फ्रेंड्स, इस वाटर हीटर को बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और दोस्तों न्यू आइडिया है। आप लोग देख सकते हो, इसके में पानी डालो बोतल की तरह, इसमें पानी डालो, इसको बंद कर दो, इसमें इसको गर्म करो, 2 मिनट 3 मिनट गर्म करो, गर्म हो जाएगा पानी, तो आप लोग इसका यूज करो, पानी निकलने लगेगा। तो दोस्तों न्यू आइडिया है, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।